हेलो स्टूडेंट्स, डाउट हट चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 5 से। प्रश्न संख्या 5 है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्ध गोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्ध गोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक घन है, घन के आकार का एक लकड़ी का टुकड़ा है। इस घन के एक फलक में से एक भाग को काट लिया गया है। तो मान लेते हैं जैसे कि हम ये इस भाग से इस प्रकार एक अर्ध गोलाकार भाग काट के निकाल दिया गया है, तो शेष भाग बचेगा उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। यहाँ से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर इस तरह से हमारे पास एक घन है ये, तो इसका एक भाग यहाँ से इस तरह से काटा गया है, तो ये हमारे पास आकृति इस तरह की बच जाएगी, इस तरह से। तो शेष बचे भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये समझिए कि इस सारे को अगर हम पॉलिश करें तो हमें इस पूरे को पॉलिश करना पड़ेगा, और फिर जो अंदर गड्ढा बना हुआ है उस गड्ढे को भी पॉलिश करना पड़ेगा, यानी उसका भी क्षेत्रफल आएगा। इस प्रश्न में हमें घन की कोई भुजा नहीं दी हुई है, तो इसका जो उत्तर आएगा, जो क्षेत्रफल आएगा, वो एक सूत्र की फॉर्म में आएगा, सूत्र की फॉर्म के अंदर या एक सूत्र के रूप में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी भुजा दी हुई नहीं है। हम भुजा को मान के चलेंगे कि माना घन की एक भुजा ए मीटर या ए सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि माना घन की भुजा, उसको हमने मान लिया ए सेंटीमीटर। इस घन के अंदर से एक फलक के अंदर से एक अर्ध गोले को काट के बाहर निकाल लिया गया है। शेष बचे भाग का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर जो शेष भाग बचेगा उसका क्षेत्रफल हो जाएगा शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पूरे घन का क्षेत्रफल जमा जो अंदर का भाग अर्ध गोलाकार है उस भाग का क्षेत्रफल, घटा यहाँ पर घटेगा फिर जो ऊपर का भाग है इस अर्ध गोलाकार का, जो ऊपर का भाग है वो कैसा भाग है, अर्ध गोले का ऊपर का जो भाग होता है वो वृत्ताकार होता है। कोई भी अर्ध गोला होता है इस तरह से, ये हमारे पास एक अर्ध गोला है, तो इसका ऊपर का भाग कैसा होगा, वृत्ताकार। तो इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल घटेगा, तो घटा आएगा वृत्त का या वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो शेष बचे भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा इस अर्ध गोलाकार भाग का क्षेत्रफल जिसको काट के बाहर निकाल लिया गया है। अब काट के बाहर निकाल लिया गया है तो वो जुड़ेगा, घटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसको जब काटा गया है तो उसके अंदर एक गड्ढा बन गया है, तो उस गड्ढे का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी साथ में आएगा, और घटा होगा वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि जो अर्ध गोलाकार भाग का जो ऊपर का भाग है वो वृत्ताकार है, और वो भाग जब हमने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है तो उसके अंदर वो भाग आ चुका है, जबकि वो भाग हमें निकालना है, क्योंकि ऊपर का जो भाग है वो खाली है, ऊपर से वो खुला है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 ए की 2 जमा अर्ध गोलाकार भाग का क्षेत्रफल, अर्ध गोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r² घटा वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है π r². अब देखिए यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है कि जो अर्ध गोलाकार भाग है उसका व्यास घन की भुजा के बराबर है, घन की भुजा है a सेंटीमीटर, तो अर्ध गोलाकार भाग का व्यास हो जाएगा ए सेंटीमीटर। यहाँ से हमारे पास अर्ध गोलाकार भाग की त्रिज्या, त्रिज्या आर, आर हमारे पास हो जाएगी इसकी आधी, व्यास की आधी a/2 सेंटीमीटर, ये मान यहाँ पर रखेंगे। अतः शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 6 a की 2 जमा, यहाँ पर हम मान रखेंगे 2 पाई
और त्रिज्या हमारे पास है ए बटा दो, इसका वर्ग घटा पाई आर का वर्ग, आर है ए बटा दो वर्ग, ये हो जाएगा 6 a की 2 जमा, इसको हम लिखेंगे 2 पाई a का वर्ग बटे 4 घटा पाई ए का वर्ग बटे 4, 6 a की 2 जमा, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा पाई ए वर्ग बटे 4, यहाँ बचेगा 2 घटा यहाँ पर बचेगा 1, ये हमारे पास हो जाएगा 6 a की 2 जमा पाई ए की 2 बटे 4। लघुत्तम लेंगे यहाँ से, लघुत्तम हमारे पास आ जाएगा 4 24 a का वर्ग जमा पाई ए का वर्ग, ये हमारे पास हो जाएगा शेष बचे भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर। इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, 1 की 2 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा यहाँ पर 24 जमा पाई, ये हो जाएगा।